हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो हमने अभी अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में, ठीक है। और इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो जो एयर कंटेंट है उसको हम लोग स्मॉल ए सफिक्स सी, ये जो नीचे लगा है इसको सफिक्स सी हम बोल रहे हैं, ठीक है। स्मॉल ए सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एयर कंटेंट को। तो इसकी परिभाषा ये है कि मृदा के रंध्रों में उपस्थित एयर के आयतन तथा रंध्रों के कुल आयतन के अनुपात को एयर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, एयर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल नहीं वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, जो केवल एयर है उसका वॉल्यूम, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो ये एयर कंटेंट होता है। अगर कोई सॉइल है हमारी, तो उसमें जितने भी सारे वॉइड्स हैं, ठीक है, तो उन वॉइड्स में जो एयर का आयतन है वो बटे में जो टोटल वॉइड्स है उसका आयतन है, उसके अनुपात को ही हम एयर कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन के रूप में रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं कुछ कंडीशन, ठीक है। अगर हमारी कोई सॉइल है उसमें केवल एयर है, ठीक है, और उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी सॉइल है कि उसमें केवल एयर है और उन वॉइड्स में वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे हम ड्राई सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अगर जो वॉइड्स है उसमें केवल वाटर है, एयर थोड़ा भी नहीं है, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी सॉइल है जिनके वॉइड्स में एयर भी है वाटर भी है, तो उसे हम पार्शली सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो एयर का आयतन है, वो अगर जीरो हो, ठीक है, तो वो जीरो कब होगा? अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड हो तो ठीक है, ये कोई सॉइल है, इनके कणों के बीच में जो रंध्र हैं उन रंध्रों में केवल वाटर है, ठीक है, एयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो केवल वाटर रहेगा, एयर है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो जीरो होगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होगा, ठीक है, तो ये एयर कंटेंट भी जीरो होगा, ठीक है। एयर कंटेंट को मैथमेटिक्स रूप में वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100, तो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया और ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसमें जो है, अगर यही सॉइल सैंपल है और इनके बीच में जो रंध्र हैं कणों के बीच में, तो क्या है कि उन कणों के बीच में जो रंध्र हैं उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा कि इसको हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। तो इसमें रंध्रों में है क्या? केवल हवा है, ठीक है। तो इन टोटल जितने भी रंध्र हैं, जो टोटल वॉइड्स है, टोटल वॉइड्स है, ये इनमें केवल हवा है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो वॉइड्स का आयतन होगा और ये टोटल वॉइड्स होगा, वो दोनों का आयतन सेम होगा, ठीक है। तो जब दोनों का आयतन सेम होगा तो क्या होगा कि जो एयर कंटेंट है यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 100%, ठीक है। तो जब केवल हवा रहेगी तो उसको हम ड्राई सॉइल बोलेंगे। अगर ऐसी कंडीशन है कि जो वॉइड्स है उसमें एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है, तो जब एयर और वाटर दोनों रहेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा एयर का आयतन होगा वो जितने भी वॉइड्स हैं उनमें से उसके आयतन से ही कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें वाटर भी है, तो वाटर है तो उसका कुछ ना कुछ तो आयतन होगा ही, ठीक है। तो इस वजह से जो एयर का आयतन है वो टोटल वॉइड्स के आयतन से कम होगा। तो जब टोटल वॉइड्स के आयतन से कम होगा तो जो एयर कंटेंट का मान है यहाँ पे रखेंगे तो ये कम है, तो क्या आएगा कि ये 100% से कम ही आएगा, ठीक है।
तो जीरो से ज़्यादा है और 100% से कम है, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई और इनका ये फेज डायग्राम है, ठीक है। ये सैचुरेटेड सॉइल का फेज डायग्राम है और ये ड्राई सॉइल का फेज डायग्राम है और ये पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का डायग्राम है, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़े थे उनमें फेज डायग्राम और इनमें फेज डायग्राम में थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन जब जीरो था तो वो ड्राई सॉइल थी, ठीक है, और यहाँ पे ये सैचुरेटेड सॉइल है और इसका फेज डायग्राम ये है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मिला के कहें कि जो एयर कंटेंट है वो क्या होता है, वो जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और जीरो और एक के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ एयर, जो एयर कंटेंट है, सॉरी अगर मुंह से शब्द कुछ अलग गलत निकाल रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो जो एयर कंटेंट है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कंबाइंड करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये फ्रैक्शन के रूप में है, अगर आप इसको परसेंटेज के रूप में लिखना चाहें तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 0% से बड़ा या बराबर एयर कंटेंट और ये 100% से कम या बराबर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही बात है, बस केवल फ्रैक्शन और परसेंटेज का अंतर है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और ये कंडीशन भी याद रखेंगे। अब हम इनके रिलेशन के बारे में देखते हैं, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है एस और एयर कंटेंट एसी है, इसके रिलेशन इनमें क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल वाइड्स है ये वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर की योग के बराबर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल वाइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पक्षों में वॉल्यूम ऑफ वाइड से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे मैं इनमें भाग दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हमने भाग दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के वन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है तो इसको हम लोग एयर कंटेंट बोलते हैं तो इसको हम एसी बोल दिए, ठीक है। और जो पिछले हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पे 100 था, ठीक है, तो ये डब्ल्यू है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। तो ये क्या हो गया, ये चीज़ जो है एस के बराबर हो गई, तो यहाँ पे एस रख दिए, ठीक है। तो एक रिलेशन ये हो गया कि जो हमारा एयर कंटेंट है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन है दोनों का जो योग है वो वन के बराबर होता है, ठीक है। या अगर हम इसको परसेंटेज में कहें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 100% हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एयर कंटेंट परसेंटेज में है, ठीक है, और ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये भी परसेंटेज में है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज के रूप में कि एयर कंटेंट और जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है उन दोनों का योग 100% के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई सॉइल है, ठीक है, और उसकी जो है एयर कंटेंट 40% है, ठीक है, एयर कंटेंट 40% है, तो यहाँ पे 40 रखेंगे तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हाँ, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो क्या आ जाएगी, 60% आ जाएगी, ठीक है, 100 में से केवल घटा देना है, ठीक है। तो कोई भी सॉइल रहेगी और उसका एयर कंटेंट दिया रहेगा और डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछेगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया रहेगा, एयर कंटेंट पूछेगा, तो आप
अगर परसेंटेज में दिया है तो जल्दी से 100 में से घटा लेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिया है तो 1 में से घटा के इसको बता सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर कोई सॉइल है उसका जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन 20% है, ठीक है, तो एयर कंटेंट कितना होगा, 100 - 20 यानी कि 80%, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है कि अभी जो है एकदम नए नए वीडियो हैं और ज़्यादा लोगों से जो है बात नहीं हो पा रही है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं चल पा रहा है कि आखिर में समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो जब बातचीत होने लगेगी, बातचीत शुरू हो जाएगी, तो समझ में आने लगेगा और थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट भी और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे वाले में हम जो अगला रिलेशन था, जो लास्ट वाला रिलेशन था वॉल्यूम वॉल्यूम का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।